गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। को कंट्रोल करने वाले कानून वहां पर अप्लाई नहीं होने दे, 370 का उपयोग। माननीय पर्यटन, पूरी दुनिया मानती है कि कश्मीर की घाटी और लद्दाख जमीन पर का स्वर्ग, मुगल काल से सब लोग मानते हैं, मगर पर्यटन जितना बढ़ना चाहिए था वहां नहीं। बर्फ भी है, तालाब भी है, घाटी भी है, वन भी है, अपार और अथाह संभावनाएं पड़ी है पर्यटन की, मगर वहां पर पर्यटन नहीं बढ़ा, क्योंकि कोई भी अच्छा होटल वहां भूमि ही नहीं खरीद सकता, और भला कौन जाएगा बाहर। पर्यटन की संभावनाओं को सीमित करने का काम धारा 370 ने, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां जाना चाहती है, अच्छे होटल लगाना चाहती है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनियां वहां अपना ऑफिस खोलना चाहती है, घाटी के अंदर खोलना चाहती है। खुल गई तो घाटी के लोगों को रोजगार मिलेगा, घाटी के युवाओं को कामकाज मिलेगा, वो टैक्सी चलाएगा वहां, नौकरी करेगा, कोई गाइड बनेगा। परंतु वहां इसलिए पर्यटन बढ़ नहीं सकता क्योंकि वहां पर 370 के कारण कोई बड़ी पर्यटन कंपनी, मतलब ट्रैवल एजेंसी वहां जा नहीं सकती है, कोई बड़ी कंपनी वहां होटल भी नहीं बने। वहां हजरतवाल है, शंकराचार्य है, वैष्णो देवी है, अमरनाथ है, ढेर सारी रिलीजियस टूरिज्म की संभावना भी वहां पर पड़ी है, मगर इसका इसको ढंग से सभी संभावनाओं को उसका दोहन नहीं हो पाता है, उसको एक्सप्लोर नहीं कर, मान्यवर विकास भी नहीं। कोई व्यक्ति आज जम्मू और कश्मीर में बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो मुझे जरा समझा दे, 370 के पक्ष में बोलने वाले, मैं थोड़ी देर ज्यादा बैठूंगा, वो कैसे लगाएगा? और बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगेगी तो बेरोजगारी कैसे रुकेगी? कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वहां जाकर लगाना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी पंजाब से जाकर, हिमाचल से जाकर, 3500 और 370 है, वो कहां से लगाएगा? क्यों आप मोनोपोली में आज भी कश्मीर को जकड़ कर रखना? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला, घाटी को कोई फायदा नहीं। कोई मुझे गिना दे क्या फायदा है, समझा दे क्या फायदा है। हाँ भाई, बिजली मिल जाएगी, चलो 370 चालू रखो, टॉयलेट मिल जाएगा, 370 चालू रखो, रोजगारी मिल जाएगी, 370 चालू रखो, तनख्वाह 5000 मिलती है, 15000 हो जाएगी, 370 चालू रखो। और संस्कृति भाषा, बाकी सारे राज्य, इतनी सारी रियासतें जुड़ गई, सबका संस्कृति भाषा विलोपित हो गया है क्या? विलोपित हो गया भारत में? आज महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं बची, गुजरात की संस्कृति नहीं बची। मैं इस पर मान्यवर बाद में आता हूं। आरोग्य, हेल्थ, उसकी भी हालत वहां पर खस्ता हाल है, क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है देश भर में, सरकारें इस देश का, अकेली सरकारें इस देश के हेल्थ को अप टू मार्क नहीं रख सकती। कई जगह पर पीपीपी मॉडल को स्वीकार किया गया, कई जगह पर प्राइवेट हॉस्पिटलों को लाया गया मान्यवर, मगर यहाँ ना पीपीपी मॉडल भी हो सकता है, ना प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकता है। अगर किसी के प्रभाव से चले जाए तो चले जाए, मगर जब संपत्ति ही अपने नाम पर नहीं होती है तो कोई कैसे जाए? और क्या तर्क है इसके? आरोग्य को भी सुधरने नहीं देंगे हम? आज प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना आ गई, मगर अस्पताल कहाँ? उसको 5 लाख रुपया उपयोग करने का अधिकार मिल गया, नर्स कहाँ, डॉक्टर कहाँ? 35 है, कौन डॉक्टर वहां जाएगा? इसके बच्चे को ना वहां वो मताधिकार है, ना वो अपना मकान खरीद सकता है, ना अपनी भूमि खरीद सकता है, ना अपनी ढंग से वहां रहकर मतदान प्राप्त कर सकता है। कौन विश्व का बड़ा डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? मुझे जरा 370 की वकालत करने वाले बताएं, कौन मुंबई से डॉक्टर वहां जाकर रहेगा? उड़ीसा में ढेर सारे डॉक्टर जाते हैं, देश भर के जाते हैं, दुनिया भर के जाते हैं, गुजरात में दुनिया भर के डॉक्टर आते हैं देश के, आप मगर उसको घर खरीदने की खरीद करने की वहां पर परमिशन है। मान्यवर, वो अपने आप को सेफ महसूस करता है, उसको लगता है कि मैं 4 पैसा कमाऊंगा या इन्वेस्ट करूंगा तो वो सलामत है, कोई नहीं जाता मान्यवर। और इसके कारण ये आरोग्य पर भी ढेर सारी
जो कमियां दिखती है उसका मूल कारण भी 300। मैं बहुत शॉर्ट में आंकड़े के साथ मैं डिटेल में भी बता सकता हूं। आंकड़े तो मैं कल एक पत्र लिखकर गुलाम नबी साहब को भेजने भी वाला हूं कि भाई देखिए आप भी पुनर्विचार करिए जरा, अभी भी समय है। माननीय शिक्षा, देश भर के 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 2009 में मिल गया, संविधान के अंदर सुधार हुआ, राइट टू एजुकेशन मिला, आज कश्मीर में नहीं है। मैं आपके माध्यम से जो लोग 370 के लिए बोलते थे, चाहे कपिल सिब्बल साहब हो, चाहे चिदम्बरम साहब हो, चाहे गुलाम नबी आजाद, क्यों कश्मीर के घाटी के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसका जवाब 370 के एडवोकेट ने देना। क्यों नहीं मिला उनको वो अधिकार? क्योंकि यहां संविधान का हमने जो सुधार किया वहां स्वीकृत नहीं किया। अब कोई जरूरत नहीं है, कल अगर लोकसभा इसको पारित करती है तो शिक्षा का अधिकार कल रात से जम्मू कश्मीर के हर बच्चे को मिलेगा, हर बच्चे को मिलेगा। माननीय प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं आते, क्यों जाएंगे वहां? कौन प्रोफेसर वहां पढ़ाने जाएगा? कौन अपना पैसा निवेश करेगा? इसके नाम पर तो संपत्ति नहीं हो सकती, एप्रिसिएशन होगा वो उसको फायदा नहीं मिलेगा, कौन भला जाकर वहां खोले? और क्यों पकड़ कर रखना चाहते हैं तुमसे, कारण क्या है? मैं नहीं समझ पाता। मान्यवर कोई कारण हो तो बताना चाहिए, आप अचानक बिल लेकर आए, हमें मौका नहीं दिया, हमें ये नहीं किया। मैं बताना चाहता हूं, हम तो साहब राष्ट्रहित का बिल लेकर आए थे, आप इंदिरा जी को इलाहाबाद के जजमेंट से बचाने का संवैधानिक सुधार उसी दिन लेकर, उसी दिन पारित करकर इस देश की डेमोक्रेसी को, और हमें उपदेश देते हैं, हमें उपदेश देते हैं। मान्यवर मैं बताता हूं, मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, मान्यवर मैं तो जो बिल को पायलट कर आया हूं, वो बिल के अंदर मैं मानता हूं, मतभेद हो सकता है, मैं मानता हूं 370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है, और सात अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है।